हेलो स्टूडेंट, तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ। तो व्हाट इज द थर्ड एप्लीकेशन? तो इससे पहले हम कर चुके हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, उसके दो एप्लीकेशन किए थे हमने। फर्स्ट हमने किया था व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड थी कोई हमारे, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। सेकेंड हमने किया था व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, तो टोरॉइड क्या थी, एक रिंग शेप में थी, तो उसके इनसाइड हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था क्या होगा बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ। तो थर्ड हम आज करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द थिक सिलेंड्रिकल कंडक्टर, तो ये कंडक्टर कैसा, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी। तो हमें यूज करना है एम्पियर सर्किटल लॉ, लेट्स डू। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्सप्रेशन, तो लेट बी क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, आई क्या हमारा करंट फ्लो है, आर क्या रेडियस ऑफ द लार्ज सर्किल, तो हमें क्या मानना है, ये हमारा कोई इनफाइनाइट कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो इसमें क्या है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो जब इसमें आई करंट फ्लो होगा तो उसके कारण क्या होगा, तीन रीजंस बनेंगे। तो पहला होगा हमारा आउटसाइड द कंडक्टर, तो हमने इसे पॉइंट माना पी वन, इसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर। सेकेंड हमने क्या माना है पी टू, पी टू क्या ऑन द सरफेस, इसकी रेडियस क्या है आर है। और थर्ड हमने माना पी थ्री, ये माना हमने इनसाइड द कंडक्टर, तो ये मानी हमने इसकी रेडियस एक्स। तो ये तीन केस है हमारे, फर्स्ट केस हमारा आउटसाइड, सेकंड केस हमारा ऑन द सरफेस, और थर्ड केस हमारा इनसाइड। तो हमें इन तीनों केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। करते हैं फर्स्ट केस, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट पी वन, तो बाहर निकालनी है हमें आउटसाइड द सरफेस। तो क्या होगी, यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हैं, तो क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, डॉट हटाएंगे तो बी डी एल कॉस जीरो, एंगल क्या है इसमें कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा वो जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ पे क्या होगा डी एल, तो डी एल का हमें करना है इंटीग्रेशन, तो डीएल का क्या होगा हमारा टू पाई आर, तो ये क्या बन गई पूरी सर्कमफ्रांस बन गई ये वाली, तो इसका क्या होगा टू पाई आर, तो बी निकल के आएगी म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर। तो ये हो गई हमारी पी वन पे मैग्नेटिक फील्ड। यहां से हम पता लगा सकते हैं जो बी है हमारी वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी कि इस आर को हम यदि इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। इस P को हम क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं, ऑन द सरफेस पे लेके आते हैं P2 पॉइंट पे, तो व्हाट इज द मैग्नेट, तो क्या करेंगे हम केस सेकंड, तो केस सेकंड में क्या करना है हमें, तो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो हमने क्या किया इस R को रिड्यूस करते करते लाए हम इक्वल कर दिया हमने R के, तो दिस इज द केस सेकंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। केस सेकंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड B एट P2, तो P2 पे क्या होगी R किसके इक्वल होगी हमारी R के, देन B क्या बन गई हमारी म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई R, तो ये क्या हो गई हमारी कैपिटल R, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। थर्ड हमें अब केस करना, अब इस R को हम और रिड्यूस करेंगे, तो ये मान लिया हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर कर दी, तो ये मान ली इसकी रेडियस हमने एक्स, तो इनसाइड, तो इनसाइड क्या होगी कंडक्टर की हमें निकालनी है पॉइंट P3 पे मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा पहले इस पे हमें करंट निकालना कितना होगा इस स्मॉल के कारण, और फिर निकालना हमें B क्या होगा, तो निकालते हैं वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड B एट P3, तो R क्या हमारी ग्रेटर देन है X से, तो X क्या हमारी स्मॉल है, देन द करंट इज, करंट क्या होगा I डैश मान लिया हमने वो करंट, तो क्या हमारा टोटल करंट अपॉन में पाई आर स्क्वायर इनटू में पाई एक्स स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल कर दी हमने, तो क्या आ गया आई एक्स स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, तो दिस इज द करंट इनसाइड द कंडक्टर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, तो इसे हम डैश मानेंगे, तो हमें पता है बी डॉट डी एल क्या था हमारा बी इंटू में टू पाई एक्स, एक्स के लिए निकाल रहे हैं तो टू पाई x इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश हमने निकाला i x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर i x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो यहां पे आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट i x अपॉन r स्क्वायर, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इसमें हमें नोट करना है एक चीज, इफ x इज इक्वल टू 0, यदि हम इसे और रिड्यूस कर देते हैं
तो इस एक्सिस पे आ जाते हैं हम, तो इस एक्सिस पे हमारी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी जीरो। तो ऑन द एक्सिस पे क्या होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। तो ये आपको नोट रखना है। तो इसके लिए हम ग्राफ यदि प्लॉट करते हैं तो इनसाइड क्या हो रही है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑन द सरफेस पे क्या होगी हमारी मैक्सिमम, और फिर क्या होगी वो रिड्यूस होती चली जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी आउटसाइड। तो ये हमें इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर सर्किट।